ठीक है बेटा। अभी हम क्या करते हैं, आपको लॉजिक गेट्स देती हूँ, लॉजिक गेट का बनाती हूँ और आपको उसका एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू ए और बी, आपको जंप करना भी सीखना होगा। अभी मैं आपको अलग अलग वेरिएबल ले रही हूँ आपके, लेकिन आपको जंप करना भी सीखना है। इसके बाद में क्या करती हूँ, इसको भी काम करते हैं, नोट ले लेते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पर सी सी ले लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं। इसके बाद में एक और वेरिएबल ले लेती हूँ मैं डी, सिंपल ले लेते हैं डी। सिर्फ एक नॉट गेट ही ऐसा है जहाँ आपके केवल एक वैल्यू आपको इन करेगा और एक वैल्यू ही वो आउट करेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी समय आप दो एक से ज़्यादा वैल्यूज आप लोग वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हमें क्या बनाना है, एक्सप्रेशन बनाना है, क्लियर। एक्सप्रेशन बनाना है बताओ, सबसे पहले क्या है ए नॉट, यहाँ लिख देते हैं, फिर क्या है बी नॉट, बीच में क्या है एंड है, तो मल्टीप्लेक्शन, यहाँ क्या मिल रहा है हमें बी नॉट और सी हमारा सिंपल है, क्लियर। और यहाँ क्या हमारा डी है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो हमारे पास क्या मिला हमें, ये और गेट है, तो ए नॉट बी नॉट प्लस बी नॉट सी प्लस डी। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ, आपको ध्यान से समझना। सबसे पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, ए और बी नॉट, ठीक है, नॉट लगा दिया, क्या ये एंड है, तो डॉट आ जाएगा। डॉट बेटा ऐसा होता है कि डॉट आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है, जहाँ पर कुछ नहीं होता ना वहाँ पर डॉट होता है, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लेक्शन, ये आपको याद रखना है, वो मल्टीपल हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, मैंने यहाँ से इसको जंप किया है, आप यहाँ पर बी लिख सकते हैं, ओके। मैं चाहूँ तो अलग वैल्यू भी ले सकती हूँ, लेकिन आप कोशिश करना कि जंप कर सके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बने, अच्छा लगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक को जम के, आप चाहा मैं अगर चाहते हो तो सी, तो क्योंकि अलग वैल्यू है, अगर यहाँ पे होता तो शायद मैं एक को जम कर लेती, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों, तो आप लोगों को शायद समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर वेरिएबल अलग से लूँ। तो नेक्स्ट हो गया हमारा, देखो ये बी बी नोट हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ सी हमारा सिंपल जा रहा है, नॉट नहीं है ना, सी क्या आ रहा है एंड, क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। डी हमारा सिंपल है, डी में कुछ नहीं है, ये अब देखो ये तीनों किससे जाके जोड़ रहे हैं, प्लस और गेट से, और गेट यानी कि किससे जोड़ रहे हैं इन्हें, और गेट, निकल गया, समझ में आया। इतना ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपको जब मैंने लॉजिक गेट सिखाए हैं आपको उनकी डेफिनेशन बहुत शॉर्ट में बहुत अपने तरीके से मैंने आपको बताई है, अगर आप वो समझ लोगे तो आपको लॉजिक गेट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका एक्सप्रेशन भी आप लोग आराम से बना सकते हैं। एक मैं आपको और समझा देती हूँ, थोड़ा सा टफ सा ले लेते हैं, इसमें चार पांच वैल्यू आ जाए, एक ले लेते हैं ए सी और प्लस बी नॉट सी प्लस ए बी, बी को नोट ले लेते हैं, चलो सी। अब आप समझेंगे इसको, पहले हमारा क्या है ए और सी, ए और सी सिंपल है, कोई नोट नहीं है बेटा, ऐसे भी हो सकता है कि इनके बीच में प्लस आ जाए, आप लोग चलो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे इनके बीच में प्लस ले लेती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, सॉरी सी आ जाएगा यहाँ पर, जरूरी नहीं कि सब में आपको यही आएगा, एंड ही आएगा, आप और भी ले सकते हैं। तो देखो मैंने इनके बीच में क्या लिया, प्लस ले लिया, प्लस का मतलब क्या आ गया, और गेट,
क्लियर। ठीक है बेटा, यहाँ में क्या मिला? ए प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी? बी, ये तो हमने लिया नहीं ना, तो बी हम ले लेते हैं क्योंकि नॉट में दे रखा है, तो यहाँ पर नॉट ले लेंगे। और सी, सी को मैं यहीं से जम करा देती हूँ, सिंपल सी है, एंड से जुड़ रहा है। क्लियर। आगे जाकर उन्होंने हमारा बी, सॉरी ए, तो ए को मैं यहीं से जम करा दूँ, सिंपल ए है। नेक्स्ट दे रखा है बी, तो हम बी को यहाँ से जम करा सकते हैं, नॉट दे रखा है ना बी में, और आगे दे रखा है सी, सी को भी हम यहाँ से जम करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं अलग ले लेती हूँ, एक सी ले लेते हैं ना, सिंपल है। किससे जुड़ रहा है ये? हैंड गेट से। तीनों के बीच में क्या है? यहाँ पे मैं क्या क्या मिला मैं लिख देती हूँ एक बार। यहाँ मिलेगा हमें बी नॉट सी, ए बी नॉट सी। ठीक है बेटा, वो हमारे किसे जुड़ रहे हैं? और गेट्स में। क्या मिला हमें? ए प्लस बी प्लस बी नॉट सी प्लस ए बी नॉट सी। समझ में आ रहा है बेटा?